हरियाणा के एक गांव की देख सकते हैं, गांव एक घंटे से जल रहा है, प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची है, किस तरह से पूरे गांव में आग फैलती हुई जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची है। डेढ़ घंटे से आप देख सकते हैं कि गांव के लोग किस तरह से आग बुझाने में जुटे हुए हैं, किस तरह से गांव के लोग जो है आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंची और कितनी भयंकर जो आग है वो यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। काफी भयंकर हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं, काफी भयंकर हादसा हुआ है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची और आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि थाना एसएचओ की गाड़ी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह करनाल का फायर ब्रिगेड का सिस्टम है। इतनी भयंकर आग लग जाती है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार आग फैलती हुई नजर आ रही है। अब जाकर जो पुलिस प्रशासन की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, नालियों का पानी आप देख सकते हैं किस तरह से नालियों का पानी जो है घेरा जा रहा है दमकल विभाग की गाड़ियों की। हालांकि अब आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं। काफी भयंकर हादसा हो जाता है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल का रुकनपुर गांव, जहां पर आग बड़ी तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि अब जाकर पुलिस पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, अभी तक घंटा हो चुका है। हम भी इसी वेट में है, वो इन्फॉर्म कर रखा वो आ रहे हैं, काफी देर हो चुकी है सर, एक घंटा हो चुका है, कहीं फंस गए होंगे या तो कहीं और चले गए होंगे, हम भी वेट ही कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब अभी तक पक्का नहीं पता कहाँ पे वो फंस गए कहाँ नहीं करे, हम भी वेट। आप देख सकते हैं भयंकर हादसा हो जाता है समय, आप देख सकते हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, पुलिस पहुंच गई है दमकल नहीं पहुंचे? पुलिस कुछ नहीं करती, ठीक है ना, चार घंटे में गाँव में आग लगे ना, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी, अब आए चार घंटे में जो पूरे गाँव में आग लग चुकी है, अब क्या करेंगे, खाली पुलिस आई एम्बुलेंस फिर भी नहीं, पशु भी मर गए हमारे, पशु दब भी गए हैं पेड़ों के नीचे टूट टूट के, इनके तो कानों पे जूम नहीं सड़ाती बिल्कुल भी, इतनी गंदी भयंकर हादसा हो जाता है आप देख सकते हैं। मारे घर आग लग रही है, हम तो भूखे मार दिया, वो भी मार लग रही, माना सरकार वो भी मार दिए, माना चार की पुड़िया दे दही पे, हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहा, तीन घंटे हो गए आग लगी ना, हमारे घर जाकर देखो घर में हमारे सारा सामान जल गया, सरकार के मुआवजा दे दे कि मरते है के पुलिस प्रशासन के करेगा हमारा, हमारा तो सारी आग लग रही। आप देख सकते हैं आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, किस तरह से करनाल का रुकनपुर गाँव जहाँ पर बड़ी भयंकर आग लग चुकी है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अभी तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, आग आप देख सकते हैं कितनी भयंकर फैलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा का करनाल, करनाल का रुकनपुर गांव जो काछवा रोड पर पड़ता है, काफी भयंकर आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, अभी तक मौके पर नहीं पहुंची, हालांकि अब सायरन सुनाई दे रहा है, शायद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन आप देख सकते हैं रुकनपुर गांव में काफी भयंकर आग जो है लग चुकी है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि आंधी तूफान के कारण ये आग लगी है, आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, क्योंकि तेज आंधी में तूफान चल रहा है और आग आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी भयंकर फैलती हुई नजर आ रही है। करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंच चुकी है, एक से डेढ़ घंटे बाद दमकल विभाग की जो गाड़ी है, दो घंटे हो चुके हैं अब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, काफी भयंकर हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची है, काफी भयंकर हादसा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा का करनाल, करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर काफी भयंकर हादसा हो जाता है और दमकल विभाग की गाड़ी अब मौके पर पहुंची है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयंकर हादसा, पूरे गांव में आग ही आग फैल जाती है मौके पर पहुंच गए। हमने करनाल ने एसपी को जानकारी दी, डीसी को जानकारी दी, एसएचओ को जानकारी हमने दी, तब जाकर आप देख सकते हैं कि एक से डेढ़ घंटे बाद यहाँ पर आग बुझनी अब शुरू हुई है। लगातार आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा फैल गई थी और अब जाकर दाग फैली है और अब जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है। दो घंटे बाद ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं दमकल विभाग की गाड़ियां
आग को बुझाने की कोशिश करती हुई, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैली हुई थी, आग बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से क्या करना। उजेर दे दो, अपना उजेर दे दो, कोई बारी प्रशासन नहीं सुन रहा, कोई सरकार ने नहीं सुनी, कोई भी नहीं, ना पुलिस आई मारी, चार घंटे हो गए, मारे घर आग लग रही। आए, आए। ये तस्वीरें आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रुकनपुर गांव से, जहां पर काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है और फिलहाल इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उससे जो चिंगारियां निकल रही हैं, जो उससे पतंगे निकल रही हैं, उससे भी खतरा लगातार बना हुआ है। ये देख सकते हैं आग जो है वो अंदर तक फैल गई थी और फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग कूप के अंदर जो आग लग गई थी उसकी एक झलक, एक मंजर, पूरा मंजर गांव के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट पहुंची है और जिसके कारण गांव के लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली है, जानवरों को काफी नुकसान हुआ है और आग अलग अलग जगह लगातार बनी हुई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो कूप होते हैं, जो तूड़ी के कूप होते हैं, उनके अंदर आग लग जाती है। ऐसे कूप यहाँ पर 10 से 12 थे और ऐसे में सबके अंदर आग लग जाती है और उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो तेज आंधी है, तूफान है, उसके चलते ये आग लगी है। गांव में इस समय बुरा माहौल है क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग आहत हैं, लोग दुखी हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड काफी लेट पहुंचती है, उनका जो जरिया है दूध पशु का वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि पशुओं को भी आग ने चपेट में ले लिया है। और दूसरी जगह भी आप देख सकते हैं कि लगातार आग लगी हुई है और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं आग लगातार बनी हुई है और इन कूप के अंदर जो आग बनी है उससे जो चिंगारियां निकल रही हैं वो गांव की तरफ जा रही हैं, और गांव की तरफ जब जाएंगी तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दम घुटने का जो एक डर है वो बना रहता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी देरी से पहुंची है, लेकिन लगातार आग बनी हुई है। आप समझ सकते हैं गांव के अंदर जो बड़ी मेहनत से इस तूड़ी के कूप को बनाया जाता है, जो उपले होते हैं उनके कूप को बनाया जाता है और उसके अंदर आग लग जाती है। ऐसे 10 से 15 कूप थे जो जल जाते हैं। बड़ा नुकसान गाँव वालों को, बड़ा नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं स्थिति कितनी खराब है। और पुलिस फायर ब्रिगेड भले यहाँ पर पहुंच गई हो, लेकिन लोगों में नाराजगी है, गांव वालों में नाराजगी है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी लेट पहुंची है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रुकनपुर गांव बताया जा रहा है, पुंडरक से अगला ये गांव है और ऐसे में तेज आंधी और तूफान के कारण जो आग है वो लगातार और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, भड़कती हुई नजर आ रही है, गांव के अंदर तक जा रही है। ये चिंगारियां आप देख सकते हैं, ये पतंगे जो आग की होती हैं वो गांव के दूसरी तरफ जा रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग, बच्चे, बुजुर्ग, उनका भी दम घुटने का जो एक डर होता है वो बना रहता है, क्योंकि आग ने पूरे गांव को यहां पर घेर लिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के रुकनपुर गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग जो है लगातार बनी हुई है। अभी भी कई जो आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आगे आती हुई नजर आ रही है। ये गाड़ी जो है बाकी जो कूप बने हुए हैं उनमें जो आग लगी हुई है उन्हें बुझाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। SHO सदर मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जानवरों को भी नुकसान हुआ है और ऐसे में कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताई जा रही है कि पीछे आ रही है, और ऐसे में एक चिंता ये भी हो जाती है कि आग पर जो अभी तक काबू नहीं पाया गया, इससे नुकसान कितना हुआ है। नुकसान जरूर हुआ है और नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गाँव में जो एक जरिया होता है आमदनी का, एक आय की, आप देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द
आग पर काबू पाया जा सके, जरूरी हो जाता है आग पर काबू पाना और जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाना जरूरी हो जाता है। और समझने की बात यह है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो एक पहुंच गई है, उसने दो तीन कूप पर जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया है और बाकी जो कूप हैं उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं इस कूप पर लगातार जो आग निकल रही है, चिंगारियां निकल रही हैं, उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको रुकनपुर गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर कई कूप में जो तूड़ी के कूप होते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई हुई उसके बाद तूड़ी बनी, तूड़ी के कूप बनाए गए और उन कूपों में आग लग जाती है। फिलहाल इन कूपों पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं स्थिति को अब नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। जो चिंगारी निकल रही है वो आगे की तरफ जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किल हालात। बच्चे भी पशु भी, जी हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया गाँव में। 3 घंटे हो गए जब से आंधी चली है, जब से कोई प्रशासन नहीं आया, कोई 5 ग्रेड वाला नहीं आया, सबको अपील कर लिया, सिर्फ मीडिया सबसे पहले आई। जी आग जी हवा के कारण लगी, उधर से उठ के आई। जानवर भी मर गए जी, 3-4 पशु भी मर गए जी। रुकनपुर गाँव है जी हमारा, देखिए यहाँ किसी ने सहयोग नहीं कराया, कोई MLA, कोई मंत्री, कोई पुलिस, किसी प्रशासन ने हमारा कोई यहाँ बिल्कुल भी लाभ नहीं दिया। गांव का पानी खत्म, बिजली खत्म, यहाँ कुछ नहीं रहा। जो बच्चे थे हमारे अंदर गुट रुके। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है, ये मीडिया ने बुलाई जी, मीडिया SP साहब को जानकारी दी, DC साहब को, सबको दी जी, तुरंत पहुंचे हैं। गांव ने सबने लगातार फोन किया जी, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, सिर्फ मीडिया ने आके। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा के करनाल का रुकनपुर गांव, जहां पर कूप के अंदर तेज और आंधी और तूफान की वजह से ये आग लग जाती है, तमाम जो कूप थे तूड़ी के वो जलकर खाक हो जाते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंचती है, करनाल के DC निशांत यादव को जानकारी दी जाती है, करनाल के SP गंगाराम पुनिया को जानकारी दी जाती है, करनाल के थाना सदर SHO को जानकारी दी जाती है, वो मौके पर पहुंच पोते हैं क्योंकि गेहूं की फसल की अभी कटाई हुई, उसके बाद ये तूड़ी के कूप गांव में बनाए गए, अभी ही बने होंगे और ऐसे में सबके जलकर ये खाक हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से जुड़ा दिया, जिस कुछ भी नहीं रहा गाँव में, तो सब कुछ खत्म हो गया जी। जो गरीब आदमी मजदूरी कर करके सारा दिन दाड़ी करते, सारा दिन गिर गया, बच्चे में स्कूल गिर भी गया, सब गिर गया, सारा घूम दिया जी, कुछ भी नहीं रहा हमारा। तो सबसे पहले मीडिया आई जी, मीडिया ने साथ दिया हमारा जी, पूरा जी हमारे फोन पर हमारा आए थे जी, गरीब बंदे हम खांसी आएगी जी हमारे, मालिन के बच्चा ना सुख दे परमात्मा। मीडिया की गाड़ी सबसे पहले आई जी, SHO साहब से फोन किया हमने, SP साहब को फोन किया, DC साहब को किया, मंत्री को किया, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मीडिया ने आके हमारे गांव में आके थोड़ा साहस दिलाया, बच्चों बाहर निकाल लो, सिलेंडर निकाल लो भाई, पशुओं को बाहर निकाल लो, इस करके थोड़ा बचाओ जी। ये आप समझ सकते हैं जब परेशानी होती है तो सबसे पहले पुलिस को याद किया जाता है, सबसे पहले उन विधायक को याद किया जाता है, नेता को याद किया जाता है, लेकिन कोई नहीं पहुंचता। लेकिन परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गांव वालों की आमदनी का जो साधन होता है वो पशु होते हैं और पशु अगर जल जाएंगे तो परेशानी होना लाजमी है। बड़ी मेहनत के साथ ये तूड़ी बनाई जाती है, इनके कूप तैयार किए जाते हैं, जो उपले होते हैं उनके कूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन सब में आग लग जाती है तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आग जो है इन कूपों के अंदर तक लगी हुई है, तो आग पर जो काबू पाने का प्रयास है वो पहले गांव वालों ने किया। पानी खत्म हो गया, नाली का पानी निकाला और नाली के पानी के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया, उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां पहुंची हैं वो अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। सर क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप इस गाँव में पहुंचे? हमारे को सूचना मिली थी कि रुकनपुर गांव में खेतों की तरफ आग लगी हुई है और गांव की तरफ बढ़ रही है और गांव के बाहर की साइड में तूड़ी के कूप रखे हुए हैं और उपले बना के जो हम बटोड़े रख देते हैं वो रखे हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड से संपर्क करके हमारे कंट्रोल रूम द्वारा भी वहां फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड शायद एकदम आंधी आने की वजह से सभी अंगेज हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 फायर ब्रिगेड मंगवा लिए हैं और अब आपके सामने ही लेके कंट्रोल किया जाए। मौके पर पहुंचे, हमने आपके संज्ञान में मामला डाला, SP साहब को भी डाला, DC साहब को भी डाला जी, तब जाकर 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। नुकसान और ज्यादा हो सकता था, गनीमत है तो लोगों के घरों तक आग फैल रही है। जिस टाइम से हमें सूचना मिली थी उसी टाइम से
दमकल विभाग से संपर्क किया जा रहा था। अब किस वजह से कहां गाड़ियां अंगेज हो चुकी थी, उनका कहना यही था कि एकदम से आंधी आने की वजह से कई जगह पे फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ गई है और उसके बाद जितना जल्दी अवेलेबल हो पाई हम यहां ले आए। जानवर वगैरह भी जल गए हैं सर? बस अभी तो इनका यही कहना है गांव वालों का कि बाहर की तरफ तो है। हाँ जी, अब देख सकते हैं ये जो तूड़ी के कूप हैं वो लगातार जल गए हैं और उसके बाद जो आग है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और उसने अब काबू पा लिया है। आप देख सकते हैं जो पुराने पेड़ हैं, क्योंकि ये सूखे पेड़ होते हैं, इनके जो है डर ये भी बना रहता है कि ये कहीं गिर के टूट ना जाए। तेज आंधी होती है, तेज तूफान होता है और आप देख सकते हैं उसमें गांव के अंदर हम चलते हैं क्योंकि उस पार गांव में आग नहीं लगी, बच गए, गनीमत रही, सुरक्षित रहे, लेकिन उस पार का क्या मंजर रहा क्योंकि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उधर भी काफी ज्यादा कूप हैं, उनमें भी आग लग सकते हैं, बच्चे बाहर सुरक्षित अब निकाल लिए गए हैं। रखो बचाव हो गया, बहुत बचाव हो गया, हौसला रखो आप प्लीज, हौसला रखो बेटा, कुछ नहीं हुआ, हौसला रखो, बच्चे बच गए, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ, चलो। आप देख सकते हैं बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बचपन है, बचपन में खेल रहे थे, लेकिन इस समय से आग लग जाती है तो डरना लाजमी है। इन छोटी सी मासूम सी बच्ची की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। पुलिस अगर समय पर पहुंचती, ये प्रशासन अगर समय पर पहुंचता, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर समय पर पहुंचती तो आग पर और जल्दी काबू पाया जा सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं कि परेशानी होना लाजमी है। और इस समय जो ये इस तरीके के कूप होते हैं, ये कूप हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं और ऐसे जो कूप हैं वो गांव के अंदर लोगों ने बनाए हुए थे, कुछ उपले के होते हैं, कुछ तूड़ी के होते हैं। आप देख सकते हैं बाल्टियां रखी हुई हैं, पानी खत्म हो गया है, खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि आग बुझाने का प्रयास किया गया था काफी पशु भी मर गए जी, पशु भी जल गए, पैर दबाए खोल खोल कर देखे क्यों तो आप चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है गरीब परिवार है उनकी भरपाई दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, खराब मौसम के चलते हुआ है सारा नुकसान, चाहेंगे मुआवजा तो मिलना चाहिए गरीब को, चाहेंगे ना जी मुआवजा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, जिनके पशु मर गए, जिनके कूप जल गए, नुकसान तो हुआ है, नुकसान की भरपाई भी जरूरी है, भरपाई कौन करेगा, विधायक या प्रशासन, क्योंकि वोट लेने के लिए। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से अचानक जो इस गांव में आग लग गई थी, किस तरह से दमकल विभाग की गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी हुई है, लेकिन आग आप देख सकते हैं कि अभी भी फैलती हुई नजर आ रही है। करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर यह भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची और तब जाकर करनाल के अधिकारियों को हमने जानकारी दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं डेढ़ घंटे बाद दमकल विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इंद्री का गांव बताया, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ और लगातार आग पर दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिन गरीब आदमियों को नुकसान हुआ, पशु जले, चाहेंगे कि प्रशासन सरकार मुआवजा दे, मुआवजा देना चाहिए जी। देखो सभी गरीब आदमी है, यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, तगड़ा नहीं है जी कोई भी, सबके लिए किसे मोल लिया कैसे लिया, थोड़ी पैसे भी नहीं गए उनके, तो गरीब आदमियों को जो भी जिम्मेदार आप चेहरे को जिनका नुकसान हो उनकी भरपाई होनी जरूरी है जी, सारे कूप जल गए, डंगर मर गए जी, बच्चे घर में आग लग गई, जो भी नुकसान हुआ है मतलब उसकी भरपाई होनी जरूरी है जी, साल भर का था जी पूरा।
एक ही दम लेते हैं गरीब आदमी के पास बार बार पैसे कहाँ से आते हैं जी। तो आग लगी कैसे? ऐसे जैसे तूफान आया एकदम उधर से आंधी आई तो वहाँ से आग उड़ के ना सीधी चारों तरफ भी फैल रही थी जी, इस करके आग लगी। हमने प्रशासन को भी फोन किया और जी SP साहब को, DC साहब को और MLA साहब को सभी का फोन किया, गांव वाले ने सभी ने तकरीबन सभी ने फोन किया जी, कोई सुनाई नहीं हुई जी। सब आप आए मीडिया आई यहाँ जब जाके कुछ समाधान हुआ जी। तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है रुकनपुर गांव, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि उन गरीब परिवारों का जो ये तूड़ी थी, पशुओं का आहार था, वो सारा जलकर जो है किस तरह से राख हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कुछ तो आप देख सकते हैं लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी अधिकारी आग बुझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड ने उस स्तूप में आग बुझाई थी लेकिन वहां पर फिर आग लगती हुई नजर आ रही है। इस तरह की आग जब तक दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच जाती। आप देख सकते हैं कि अभी दमकल विभाग की गाड़ी यहां पर आग बुझा के गई है, उसके बाद भी अंदर ही अंदर आग और फैलती हुई नजर आ रही है। दमकल विभाग की कम से कम कई गाड़ियों को यहां पर बुलाया जाए, दमकल विभाग की जब तक कई गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तब तक इस लगी आग को नहीं बुझाया जा सकता। अगर आंधी तूफान और आया तो ये हादसा और बड़ा हो सकता है। रात के समय आप अंदाजा लगा सकते हैं जब लोग अपने घरों में सो रहे होंगे तो और बड़ा हादसा हो सकता है। अंदर आग पूरी तरह से फैली हुई है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कम से कम दर्जनों गाड़ियां यहां पर जरूर पहुंचे, हालांकि 2 गाड़ियां अभी तक मौके पर पहुंची है, 3 से 4 गाड़ियों को और पहुंचना चाहिए तभी जाकर इस लगी आग को बुझाया जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ट्यूब में लगी आग को अभी दमकल विभाग की गाड़ी बुझा कर गई थी और अंदर इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी आग फिर से सुलगती हुई नजर आ रही है, पूरी आग फिर से फैलती हुई नजर आ रही है और मौसम अभी भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। रुकनपुर गाँव करनाल के काछवा रोड पर रुकनपुर गाँव है जहाँ पर भयंकर आग लग गई है और आग एक बार फिर से फैलती हुई आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों तक में आग लग गई। कितनी भयंकर आग थी कि एक चिंगारी कई पेड़ों में तक आग लग गई है। आप सामने देख सकते हैं 2 बड़े बड़े पेड़ इस समय आपको नजर आ रहे होंगे जिन पेड़ों में भी आग लग जाती है। और ये चिंगारी जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के घरों में जा रही थी तो लोगों का क्या हाल हो रहा था, किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आग है वो फैलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि रुक रुक के आग फैल रही है, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां दमकल विभाग की ओर पहुंचेगी तभी जाकर इस लगी आग को काबू पाया जा सकेगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें करनाल की आप देख सकते हैं जहाँ पर भयंकर आग लग जाती है। ये लाइव तस्वीरें करनाल की आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयंकर आग लग जाती है। सामने आप देख सकते हैं वो तो खाली खड़ी। हाँ बस भाई बाल्टी खाली है, एक बार फोन के ऊपर रखियो बारिश में ना, कुछ खाली कर दे, उल्टे कर नहीं कर दे वो ना, बार बार बंद हो रहा है, बारिश जा रही है अंदर। नहीं कोई नहीं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से काफी भयंकर आग जो है लगी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि इस तरह से जिस कूप में अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझा कर गई है उस कूप में से दोबारा से आग फैलती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयंकर आग लग जाती है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और कितनी भयंकर आग लगी थी जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है लेकिन आग अभी भी फैल रही है क्योंकि तूप में आग लग जाती है, कूप में आग लग जाती है और आसानी से इस आग को नहीं बुझाया जा सकता। गाँव के तमाम लोग आप देख सकते हैं मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, गाँव की महिलाएं मदद करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाँव की महिलाएं मदद करती हुई नजर आ रही है, गाँव के तमाम लोग मदद करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इस लगी आग को बुझाया जा सके। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस लगी आग को बुझाने का काम खुद गांव के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से खुद गांव के लोग, गांव की महिलाएं इस लगी आग को बुझाने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। आग अभी भी फैलती हुई नजर आ रही है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग जो है रुकनपुर गांव में लग गई थी और लगातार गांव के तमाम लोग काफी डरे हुए थे, काफी ज्यादा सहमे हुए थे।
किस तरह से रुकनपुर गांव में इतनी ज्यादा आग लग गई थी और तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। आग काफी ज्यादा हो गई थी जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दमकल विभाग की गाड़ियां डेढ़ घंटा देरी से पहुंचती है। आग तूफान और आंधी करनाल में आया जिसके बाद जहां जगह जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, उसके बाद रुकनपुर गांव जो करनाल का इंद्रिय हलका बताया जा रहा है, करनाल के काचवा रोड पर पुंडरक गांव से अगला गांव जहां पर यह भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद करनाल बेकिंग न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची। हालांकि गांव के लोगों ने सभी अधिकारियों को फोन कर लिए, दमकल विभाग को फोन कर दिया, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दिया, उसके बाद जब हम मौके पर पहुंचे हमने यहां के हालात देखे, उसके बाद हमने थाना SHO सदर को फोन किया, SP साहब को फोन किया, DC साहब को फोन किया, तब जाकर जो है ये लगी आग पर दमकल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग काफी ज्यादा फैली हुई है। तमाम गांव के लोग काफी डरे हुए थे, काफी सहमे हुए थे। हम आपको लाइव तस्वीरें समय करनाल के रुकनपुर गांव की आपको दिखा सकते हैं, जहां पर तमाम बच्चे महिलाएं किस तरह से काफी ज्यादा डरे हुए थे, काफी ज्यादा सहमे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि आग काफी ज्यादा फैल गई थी, तमाम गांव की महिलाएं काफी ज्यादा क्या कहना चाहेंगे, काफी आग फैल गई थी आपके यहाँ, काफी आग लग गई थी। हाँ काफी है, पांच बजे थी, पांच बजे में यहाँ डंगरों दौरे थे, तार काट के गई, पांच बजे इतना घर तोड़ी गई, नहीं तो वहाँ वो खंड दौरा आग थी जी, इतनी देर में तेज से हवा आई, तेज से हवा का एक सीसी साड़ की थी, इसी साड़ तेज सी, तब पांच बजे पूरे आग लगी थी, जल 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 के मर गया थी, एक दो दो तीन लगा बाढ़ बुन जल के खान जल के खत्म हो गया थी, पशु पूरी तरह से जल गए, दुधारू पशु जिसमें से एक से दो की मौत हो गई। किस तरह से करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर आज की आंधी और तूफान किस तरह से कहर भर पर आया यहां पर और पूरे गांव में आग ही आग लगा दी। जगह जगह जितने कूप थे, लोगों के घर थे, पेड़ थे, उसमें आग बड़ी तेजी से फैली, जिसके बाद आप देख सकते हैं लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहाँ पहुंची। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार दमकल विभाग की जो टीमें हैं लगातार इस आग को बुझाने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। आग काफी ज्यादा फैल गई थी। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर कितनी भयंकर आग लग गई, आग जो है करनाल के रुकनपुर गांव में लगी थी, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल का रुकनपुर गांव जहां पर काफी भयंकर आग लग गई थी, जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि कोई यहां नहीं पहुंचा था, जिसके बाद करनाल के SP को जानकारी दी, SHO को जानकारी दी, जिसके बाद जाकर डेढ़ घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ियां आई, कई पशु जल गए और लोगों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ, आग अभी तक नहीं बुझी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के रुकनपुर गांव से आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार उन कूपों में लगी आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। जिन गरीब लोगों का नुकसान हुआ, जिनके पशु जले, उनको भी मुआवजा देना चाहिए। सरकार से अपील कर रहे हैं तमाम गांव के लोग कि उनको मुआवजा दिया जाए। आप देख सकते हैं।